बॉलीवुड की दुनिया में जब भी सितारों की बात आती है तो उसमें महानायक अमिताभ बच्चन का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। जिस तरह अपनी मेहनत, उदारता और संघर्षशीलता से उन्होंने बॉलीवुड में मुकाम हासिल किया है, वो जितनी भी तारीफ की जाए वो कम ही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन की, जिन्होंने ऋषिकेश में एक छोटे बच्चे को सबके बीच जाकर ऑटोग्राफ दिया। इनकी इन्हीं उदारता के तो सब कायल हो जाते हैं। दरअसल अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया बच्चन ने 39 साल के बाद ऋषिकेश में गंगा जी के दर्शन किए। आपको बता दें कि इससे पहले अमिताभ बच्चन जब गंगा की सौगंध फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब उन्होंने यहाँ गंगा जी के दर्शन किए थे। वहीं यहाँ इन दोनों के साथ उद्योगपति अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी भी उनके साथ इस दर्शन में मौजूद थी। इतने दिनों के बाद गंगा जी के शरण में आकर सब अभिभूत होते नजर आए। वहीं 39 सालों के बाद अमिताभ बच्चन ने लक्ष्मण झूले के दर्शन भी किए। सबके साथ अमिताभ बच्चन ने लगभग 3.5 घंटे गंगा के तट पर भी बिताए। रविवार 1 जनवरी 2017 को बच्चन परिवार, अंबानी परिवार और उनके पारिवारिक मित्र यशवर्धन बिरला ने उत्तराखंड में नरेंद्र नगर के होटल आनंदा में शाम बिताई। उसके बाद सबने मिलकर बिरला हाउस में शाम बिताई। शाम के गंगा आरती होने के बाद परमार्थ निकेतन के आचार्य और ऋषि कुमारों से भी भेंट की। जब वहां के लोगों को अमिताभ बच्चन के आने के बारे में पता चला तो बिरला हाउस के बाहर उनके फैंस की भीड़ इकट्ठा हो गई। लेकिन उन्होंने एक छोटे से बच्चे को अपना ऑटोग्राफ देकर प्रशंसकों के दिल में अपने लिए और खास जगह बना ली। बॉलीवुड की दुनिया की और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें टॉप न्यूज़। टॉप न्यूज़ से प्रिया की रिपोर्ट।